तमाम मामलात में आप हद दर्जे अमानतदार, सच्चे और परहेजगार मशहूर थे। जिंदगी के सभी मैदानों में आपका यही तरीका था। इसी बिना पर आपका लकब ही अमीन मशहूर हो गया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर आपकी शोहरत सुनकर सैयदा खदीजा ने आपको तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की। वो इज्जत और माल दोनों लिहाज से कुरैश की एक मुअज्जज खातून थी। लोगों को उजरत देकर अपना माल तिजारत के लिए भेजा करती थी। इस पेशकश के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आपको सबसे अच्छी उजरत देंगी। चुनाचे आपने उनके गुलाम मैसरा के साथ शाम का सफर किया, वहां खरीदो फरोख्त की। इस खरीदो फरोख्त में बहुत ज्यादा नफा हुआ। इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। शाम से आप मक्का वापस आए और सैयदा की अमानत उन्हें सौंपी। सैयदा खदीजा ने अमानत और बरकत का ये हाल देखा तो हैरत ज़दा रह गईं। उधर मैसरा ने भी आपकी बातें उन्हें बताई। तब सैयदा ने महसूस कर लिया कि उन्हें उनकी मुराद मिल गई है। चुनाचे उन्होंने आपसे अपनी सहेली के जरिए से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने सैयदा खदीजा के चचा अम्र बिन असद को पैगाम भेजा। इस तरह बात तय हुई। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा, उसमें अल्लाह की हम्द और सना की, फिर आपके फजल और शरफ का जिक्र किया। इसके बाद ईजाब और कबूल के अल्फाज कहे और महर बयान किया। ये मुल्क शाम के सफर से वापसी के 2 महीने और चंद दिन बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल थी। सैयदा खदीजा की शादी पहले अतीक बिन आयज मखजूमी से हुई थी। वो इंतकाल कर गया तो अबू हाला तैमी से हुई। उससे एक बच्चा भी हुआ मगर फिर अबू हाला भी फौत हो गया। उसके बाद बड़े बड़े सरदाराने कुरैश ने शादी का पैगाम दिया मगर सैयदा खदीजा राजी न हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें आपकी तरफ माइल कर दिया और इस तरह सैयदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ हासिल हुआ। सैयदा खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। उनके जीते जी आपने किसी और से शादी न की। आपकी तमाम औलाद भी उन्हीं से हुई, सिर्फ इब्राहिम मारिया किप्तिया से हुए। आपकी औलाद के नाम ये हैं: पहले कासिम पैदा हुए, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा, फिर अब्दुल्ला। बाज़ मुअर्रिखों ने तादाद औलाद और औलाद की तरतीब इससे मुख्तलिफ भी लिखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन में फौत हो गए, अलबत्ता तमाम बच्चियों ने आहदे नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की और सब की सब आपकी जिंदगी ही में इंतकाल कर गई। सिर्फ सैयदा फातिमा आपके 6 माँ बाद फौत हुई।